या तो बोरॉन नाइट्राइड से या बोरेक्स से। देखिए कोई भी कंपाउंड हमेशा उसी एलिमेंट से बनेगा। एलिमेंट इसके अंदर क्या क्या मौजूद है? हाइड्रोजन, बोरॉन और ऑक्सीजन। तो इसे बनाने के लिए भी कौन से तीन एलिमेंट चाहिए होंगे? हाइड्रोजन, बोरॉन और ऑक्सीजन। बोरॉन का मशहूर कंपाउंड बोरॉन नाइट्राइड ही होता है, एक बोरेक्स भी होता है, तो दोनों से ही बनेगा। इसमें जब हम वाटर मिलाते हैं तो H3PO3 बनता है, अमोनिया बाय प्रोडक्ट बनता है। इसी बोरिक एसिड को जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम हीट करते हैं तो HBO2 यानी मेटाबोरिक एसिड बनता है। अगर इस मेटाबोरिक एसिड को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो पायरोबोरिक एसिड बनता है, पायरोबोरिक। यह फार्मूला भी पूछा जा सकता है मेटाबोरिक का, पायरोबोरिक का। पूछ सकते हैं कि बोरिक एसिड को 100 डिग्री पे हीट करेंगे तो क्या बनेगा, मेटाबोरिक को 140 पे हीट करेंगे तो क्या बनेगा। और फाइनली जो हमारा होता है पायरोबोरिक H2B4O7, इसको जब 240 पे हीट करते हैं तो B4O6, जहाँ से 2 कॉमन ले लें तो B2O3 बोरिक ऑक्साइड बनता है। ये जो बोरिक एसिड होता है निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके लेयर में जो डिस्टेंस होता है 3.18 एमस्ट्रॉम होता है। ये भी MCQ आ चुकी है दाऊद के टेस्ट में कि बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, निडल लाइक होता है। KMDC के टेस्ट में पूछा था कि लेयर में फासला कितना होता है, 3.18 एमस्ट्रॉम होता है। कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट में पूछा था कि भाई ये इसकी प्रॉपर्टी बताएं तो सॉफ्ट होता है, सिल्की होता है, वाइट कलर का क्रिस्टल होता है। यूजेस भी पूछ चुके हैं, माइल्ड एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ होता है और आई वॉच के तौर पे यूज़ होता है, और जो कैरम बोर्ड का हमारा पाउडर होता है वो भी कोई और नहीं बोरिक ही एसिड ही होता है। बोरिक एसिड यानी H3PO3 की ये बात हो गई। कैसे बनेगा? बोरोन नाइट्राइड में वाटर मिला के अमोनिया बाय प्रोडक्ट बनेगा, ये पहली MCQ। दूसरी बात के जब हम बोरिक एसिड को हीट कर रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड में मेटाबोरिक बन रहा है, MCQ नंबर 2। MCQ नंबर 3 जैसे बनती है, मेटाबोरिक एसिड को 140 डिग्री पे हम हीट करते हैं तो वाटर एलिमिनेट होता है, पायरोबोरिक बनता है। पायरोबोरिक को जब हम 250 पे हीट करते हैं तो एक और वाटर एलिमिनेट होगा, B4O6 बनेगा, जिससे हम 2 कॉमन ले लें तो B2O3 बोरिक ऑक्साइड। बोरिक एसिड माइल्ड एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज होता है, आई वॉश में कैरम बोर्ड का बॉर्डर भी यही होता है, निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेयर में डिफरेंस होता है, 3.18 एमस्ट्रॉम का डिस्टेंस पाया जाता है, सॉफ्ट, सिल्की और वाइट क्रिस्टल होता है ये। इसके बरक्स देखें तो बोरेक्स को जब हम मिलाते हैं 7 वाटर के मॉलिक्यूल से तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और बोरिक ऑक्साइड बनता है, बोरिक एसिड। मेरे भाई ये फार्मूला होता है इसका बोरेक्स का, Na2BO4B4O7.10H2O। इसको सुहागा भी कहते हैं, टिंगल भी कहते हैं, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं। ऑप्टिकल यानी पायरेस गिलास बनाने में यूज़ होता है, हार्ड गिलास, जेना गिलास बनाने में यूज़ होता है, टाइल्स और पोटरी गिलास में यूज़ होता है। सबसे अहम बात जो उसमें पूछेंगे वो लाजमी आपसे कि Na2B4O7 और बोरिक एसिड का आपस में इंटरकन्वर्जन कैसे होता है। देखिए ऑलराउंडर रिएक्शन है, बोरिक एसिड में वाटर मिलाएं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और बोरिक एसिड बनेगा, बोरिक एसिड में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएं तो बोरेक्स और वाटर बन जाए। तो जनाब ये छोटे से टॉपिक हैं लेकिन ये बड़े अहम हैं। बी ब्लॉग एलिमेंट्स के हवाले से जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो सारी मैं आपको करवाता रहूँगा। नेक्स्ट चीज़ अगली दफ़ा।